गांडुओं के बच्चे है भाई, गांडुओं के बच्चे है पूरे। तलवारों से मारे, तलवारों से मारे, तलवारों से कोर्ट के बच्चे मारे। इकबाल के भतीजे भांजे भाई इनके ओड़े नस्ले आराम भाई इनके ओड़े इनके पहलवान है, उनके बेटे बड़े चाले चल रहे हैं जी जी, वो चल रहे ना। अब क्या हुआ बस्ती में, मैं खड़े हुआ हूँ घर की लेडी से, वहाँ पे आगे पूछ लो आप पूरों से, तलवारा हैंड तलवारा निकाल के बड़ों के सामने चाकुओं से नॉन स्टॉप मारा मैं। कहाँ पे, कहाँ पे भैया, अड्डू नाम है इसका, कहाँ पे मारे? कुर्सीजा ग्राउंड में कुर्सी। मैं एनसीसी कैडेट, बी सर्टिफिकेट होल्डर, नेशनल कैडेट कॉप हूँ मैं जी। मेरे ऊपर नॉन स्टॉप 25 से 30 जने आ गए जी, तलवारों से मारे, मेरी पैर की हड्डी टूट गई। ये वीडियो लियो आप जी, और ले लेता हूं, गुप्पा 25-30 का गुप्पा। मैं बोला क्या हुआ, कह का है भाई, किधर है? पूछ रहा हूँ जी, 50 से 60 जने जी। कौन कौन खड़े है मालूम? इकबाल भाई खड़े हुआ भाई, इकबाल भाई खड़े हुआ है, और अपने अड्डू क्या नाम है इन खड़े है ये, और अपने शैतान कहते हुए लंबा है कहते हुए खड़े हुआ है पूरे मिलके। अड्डू में गुम चाकू से मारा, मैं एक इंडियन आर्मी स्टूडेंट, मैं एक नेशनल कैडेट जी। इलम के ऊपर कई कार्रवाई होना कुछ भी नहीं है भाई। मैं घर में से निकला बाहर, घर में से निकल के बोला क्या हुआ भाई, मुझे पूछ रहा जी क्या होते, तू कौन आ रहा, तू बहुत उड़ रहा भैया, चाकू निकाल के बड़ी हैंड तलवार निकाल के। हर आदमी मैं इनका पहलवान हूँ, यो बार आके बुक करा, मैं खुद ही मैं ऑनलाइन कंप्लेन पहले बुक करा पीएस को, मैं एक नेशनल कैडेट हूँ, मैं गलती में नहीं आता, पहले फोन मार के बुक करा। तभी कितने कितने जने फ्रैक्चर हुए आपके पास? मेरे साथ बच्ची, मेरे छोटे भाई की फाइट मारा आंखी में उसका, सुझिया उसको कंप्लेंट दी आप? मैं पहले कंप्लेन दे के उतरा, मतलब लड़ाई चल रही बस्ती में, जरा आप आइए सर बोल के बोला जी। उसके बाद क्या करें मालूम, जने आ गए मार दिए, मार देके जाती मैं सीधा पीएस को, मैं दुकरा गैर गलत हरकत कुछ करा ही नहीं मैं, डायरेक्ट पीएस को आ मैं। एक भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब से इंसाफ होना, नहीं तो फिर ये भी कैडेट फिर रॉडी शीटर बनने टाइम ना लिखेंगा। कौन से मेरे पर एक केस बुक नहीं है, आप कौन से पीएस में जाने मिलके मारे में, कौन से पीएस? हुसैनी आलम पीएस में मारे में, हुसैनी आलम पीएस में बुक करा मैं। नहीं नहीं मैं किसी को कुछ बोला ही नहीं, मैं सीधा पीएस में आया भाई, देखो पुलिस से इंसाफ होना बस बस, इल्लों की राडी खत्म खत्म होना, एड़िया लगाना पीएसओ में, जेलों में इल्लों को सड़ाना बस। देखो क्या करे, 30 से 40 जने मिलके 3-4 जने तलवारों से मारे, तूने लटों से मारे, हड्डी टूट गई पैर की, फाड़ दिए। मेरे वालिद साहब निकल के क्या हुआ बोल के एकदम परेशान हो गए, उनको नहीं बोल के मैं सीधा पहले पीएस को भाग लेते। सुने ठीक है, चोरों की नस्लों के पूरे एक जने आबा का देखो यार, घर को जा रहा है एक जने। हटो हमें। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।